नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कंगना मसले पर बोले शरद पवार, राज्य सरकार से लड़ाई नहीं, बीएमसी ने तोड़ा दफ्तर। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि यह कंगना और राज्य सरकार के बीच का मसला नहीं है, इस मामले में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच चल रही जंग से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने खुद को अलग कर दिया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि यह कंगना और राज्य सरकार के बीच का मसला नहीं है, इस मामले में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने का काम बीएमसी ने किया है। बीएमसी का कहना है कि यह निगम का फैसला था। अगर कंगना सोनिया गांधी के बारे में ट्वीट कर रहे हैं तो इस पर मैं कैसे बयान दे सकता हूँ। सुशांत केस से एनसीपी का कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है। इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि बीएमसी की कार्रवाई ने अनावश्यक रूप से कंगना को बोलने का अवसर दे दिया है। मुंबई में कई अन्य अवैध निर्माण है, यह देखने की जरूरत है कि अधिकारियों ने यह निर्णय क्यों लिया। हर कोई जानता है कि मुंबई पुलिस सुरक्षा के लिए काम करती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।